मित्रों, केजरीवाल के भरोसे दिल्ली को नहीं छोड़ा जा सकता था। ये मैं आज से नहीं, मैंने 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केजरीवाल साहब को भी कहा था, जिनकी संवेदनहीनता के कारण उनकी जिम्मेवारी पर प्रश्न उठते हैं और उन्होंने अपने एक मुख्यमंत्री जैसे गरिमामी पद का ध्यान में ना करते हुए एक सड़क पर मवाली टाइप के जो लोग होते हैं उन जैसा व्यवहार किया उन्होंने। 8-7 अप्रैल को केजरीवाल साहब कहते थे कि हमारे पास सरकारी अस्पतालों में 8,000 बेड उपलब्ध हैं। 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ, 7 अप्रैल को वो कहते हमारे पास 8,000 बेड हैं, 12,000 की हमने होटलों में व्यवस्था कर दी और 10,000 बेड हम बैंकेट हॉल के अंदर व्यवस्था करेंगे। 8 अप्रैल को मित्रों हमने उनको संज्ञान में लाया कि केजरीवाल साहब जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिल्ली के सांसदों के साथ आए थे कि आप दिल्ली के 4 स्टेडियम हैं, त्यागराज है, अंबेडकर है, छत्रसाल है, तालकटोरा है, इन स्टेडियम में 4-4, 5-5 हज़ार बेडों की व्यवस्था कर दो, वरना अमेरिका जैसी स्थिति पैदा होगी। कहो तो मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग महामारी तो स्टेडियम में हम तैयारी शुरू अभी से कर दें कि हम 20,000 बेड के कि कहीं बाद में अमेरिका की तरह प्रस्थान ना पड़ जाए हम लोगों को, इस पे हम ध्यान दें, तो मुझे लगता है उसके लिए जो पहली फैलने वाली आगे स्थिति आगे बढ़ेगी तो उससे हम बचा जा सकता है। ज्यादा ये केजरीवाल साहब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आमने सामने मैंने 8 तारीख को इनको संज्ञान में लाया, इन्होंने वही बेवड़ों की तरह मुख्यमंत्री का अपने दायित्व का निर्वाह ना करते हुए उस बात को सिरे से खारिज कर दिया। 20 मई को वो कहते हैं कि सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया, किसी ने हाईकोर्ट में रिट लगा दी, उनके पेशेंट उनके परिजन को अस्पताल में एडमिट नहीं मिला। ये एफिडेविट देते हैं कि हमारे पास केवल 3,3150 बेड हैं, 2,500 सरकारी अस्पताल में और बाकी प्राइवेट अस्पतालों में। 7 अप्रैल को 8,000, 30,000 की तैयारी और 20 मई को, 7 अप्रैल की बात 20 मई देख लीजिए आप, वो कहता है मेरे पास केवल 3,150 बेड है, दिल्ली हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया उन्होंने। अब इनको बेवड़ा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे आप? मुख्यमंत्री है वो जो ये प्रमाणित करता है कि 28 मई तक दिल्ली में केवल 316 मौतें हुई थी 28 मई तक, और 4 जून तक वो मौतें बढ़कर 650 हो गई। एक सप्ताह के अंदर अंदर दिल्ली में 350-400 मौतें हो गई, लेकिन उनके कान पे जूनी रही और वो अपनी हरकतों से बात नहीं आई। 31 मई को एक टीवी चैनल पर, मैं टीवी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, टीवी चैनल पर वो कहते हैं कि हमारे पास 6500 बेड अवेलेबल हैं। टीवी का नाम भी देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, TV9 भारत के अंदर उन्होंने ये कहा था। उसी दिन फेसबुक पर वो लाइव करते हैं और लाइव में कहते हैं कि मेरे पास 6600 बेड है। एक स्टेट का मुख्यमंत्री जिम्मेवार आदमी एक जगह कहता 6500, एक जगह कहता 6600, सेम डे। 2 जून को वो फिर फेसबुक लाइव पे आते हैं केजरीवाल साहब, 2 दिन बाद फिर लाइव आते हैं और लाइव पर आके कहते हैं कि हमारे पास 6731 बेड है, 6731, जिनमें से 4100 बेड हमारे पास खाली पड़े हुए हैं और हमारे पास बाकी बेड वो ऑक्यूपाइड है 2600 के करीब लगभग, वो ये कहते हैं। फिर 4 जून को न्यू इंडिया 18 चैनल पर आकर वो कहते हैं कि हमारे पास 10,000 बेड अवेलेबल हैं। ये संवेदनशीलता है केजरीवाल साहब की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की। और 4 जून को जब वो कहते हैं 10,000 बेड अवेलेबल है और 5 जून को एक ऐप जारी करते हैं, जो मैं कह रहा हूं वो राजनीति कर रहे हैं केवल, संवेदनहीन व्यक्ति है। 5 जून को एक ऐप जारी करते हैं और ऐप में बताते हैं हमारे पास 8,505 बेड अवेलेबल है, 3,900 बेड हमारे ऑक्यूपाइड हैं और 4,600 बेड हमारे खाली पड़े हुए हैं। वो ऐप जारी करते हैं, ऐप जारी किस लिए किया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरह स्कूलों के नाम पर जैसे उन्होंने भुना लिया चुनाव में कि दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी में अगर 50,000,00,000 लोग मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा केजरीवाल को, लेकिन 1,99,00,000 लोगों को मैं ऐप दिखाऊंगा और 1,99,00,000 तो सोचेंगे केजरीवाल ने अच्छी व्यवस्था की इसलिए 1,99,00,000 लोग बच गए, लेकिन उन 1,50,000 परिवार जो मैं कह रहा हूँ 1,50,000 उन बिचारों का क्या कसूर था, उसमें 1,50,000 में हम और आप भी आ सकते हैं। ये तो वही एक कसाई होता है जो मांस बेचने वाला उनको मुर्गों को एक जाले में बंद रखता है और मुर्गे दाना चुगते रहते हैं, जब उसका कस्टमर आता है एक मुर्गे की टांग पड़ गया खींचता है काट देता है, बाकी मुर्गे मस्ती में दाना चुगते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं वो गया कोई बात नहीं हम तो सेफ हैं सारे के सारे। वो दिल्ली के लोगों की व्यवस्था केजरीवाल कर रहे थे। इस चिंता को देखते हुए हमने केजरीवाल साहब का ऐसा नहीं है,
हमने अपनी संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया। हमने केजरीवाल साहब को 8 अप्रैल को मैंने जैसे जानकारी दी, 3 मई को मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि असंगठित क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनके बिजली के बिल, उनके खाने की व्यवस्था, लोग यहां से भागना शुरू हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था, उसकी चिट्ठी लिखी। 6 तारीख को हमने उपराज्यपाल को कॉपी लिखने के बाद हमने कहा कि आपकी जो योजनाएं हैं वो सब फेल हो रही है, आप लोग यहां पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, सांसदों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हो, सांसदों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, कूपन भी आप डिस्क्रिमिनेशन के साथ बांट रहे हो। फिर हमने उसको 12 तारीख को फिर चिट्ठी लिखी माननीय उपराज्यपाल जी को कि दिल्ली में भारी मात्रा में जो मजदूरों का पलायन जारी है, इससे अव्यवस्था फैलेगी, कोरोना वायरस ज्यादा फैलेगा, इसलिए उन लोगों को रोकने के लिए कोई प्रयास दिल्ली सरकार नहीं कर रही है, इस सरकार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। फिर 27 मई को हमने दोबारा चिट्ठी लिखी माननीय उपराज्यपाल जी को कि मरीजों को बेड पर, उनको खाना ढंग से नहीं मिल रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस संबंध में 27 तारीख को हमने चिट्ठी लिखी, 9 तारीख को फिर मैंने दोबारा चिट्ठी लिखी 9 जून को माननीय उपराज्यपाल जी को, जिसकी कॉपी केजरीवाल को भेजी कि कोविड टेस्ट की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली सरकार, खाद्य मंत्रालय दोनों फेल हो गए हैं और इनके भरोसे दिल्ली को मरने नहीं छोड़ा जा सकता है। मैं अपने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आभार व्यक्त करूंगा, दिल्ली के साउथ दिल्ली के खासकर से 20 लाख वोटर की तरफ से, कि उन्होंने तुरंत इस स्थिति को अपने काबू में लिया और अपने काबू में लेने के बाद 14 जून को उन्होंने फिर मीटिंग बुलाई है सभी अधिकारियों की। 14 जून को मीटिंग बुलाने के बाद फिर यहां पर कंट्रोल किया जाए, उन्होंने संज्ञान लिया और उस संज्ञान के अंदर 169 कोविड के सेंटर ऐसे भारत सरकार के माध्यम से, केंद्र के माध्यम से बने हैं, जिनमें 18,000 टेस्ट लगभग रोजाना करने की क्षमता है और 12,000 से 13,000 टेस्ट अब रोजाना हो रहे हैं, जिसमें से 21 वो सेंटर साउथ दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर भी बनाए गए हैं, जहां पर ज्यादा केस निकल कर आ रहे थे और ये स्प्रेडिंग इसकी जबरदस्त हो रही थी कोरोना वायरस की, उस पर रोक करने के लिए एनसीसी एनएसएसएस के वॉलंटियर उनके माध्यम से अब उन घरों से जाकर उन लोगों को लाया जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है और कोरिया से, साउथ कोरिया से 6 लाख ऐसी किट मंगाई गई टेस्ट करने की, जो 50,000 किट पहले खेप की जो आनी है 6 लाख 50,000 किट मंगाकर दिल्ली सरकार को वो दे दी गई, जिनके कारण से वो जांच चल रही है और आधे घंटे में अब किसी को अगर कोविड होगा उस गली मोहल्ले में तो उनको उसका प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी होगा आधे घंटे में उनको रिपोर्ट मिल रही है। जिनके पॉजिटिव आने की थोड़ी शंका रहती है उनको लैब में वो भेज रहे हैं तुरंत करने के बाद। ये हमारे गृह मंत्री जी ने तुरंत स्टेप उठाया, केजरीवाल साहब को हमने 8 तारीख को ये संज्ञान में लाया, घर में लेटे रहे, लोगों को सलाह देते रहे कि आप घरों में ही क्वारंटाइन रहें, घरों में आइसोलेट रहें, तो भी तुम्हारा मंत्री जी अस्पताल क्यों गए फिर जब लोगों को घर में लेटा रहे हो तो आप छोटे मोटे बुखार में, और तुम्हारे मंत्री अस्पताल में जाने के बाद भी क्या तुम्हें अपनी अस्पताल पर तुम सरकार चला रहे भरोसा नहीं है कि उस मंत्री को आपने सरकारी अस्पताल से पॉजिटिव आने के तुरंत बाद लाख रुपए वाली अस्पताल में डाल दिया मैक्स में? क्या इसका मतलब तुम्हारी सरकार फेल है ना, तुम्हारी व्यवस्था ठीक नहीं है ना? तुम्हारे मंत्री को तुम्हारी सरकार के अस्पताल में भी अगर इलाज ठीक नहीं मिल रहा है तो दिल्ली की जनता की कोई कीमत नहीं है क्या? दिल्ली वाले 2 करोड़ लोग, उनके कोई संवेदनशीलता के कारण तुम्हारे मन में कोई जरा सी कोई इस प्रकार की सोच नहीं है क्या केजरीवाल साहब, कि आप दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ोगे सरकारी अस्पताल में तुम कह रहे हो, और सतेंद्र जैन जी को आप मैक्स में एडमिट करा रहे जाने के बाद? कहां आप कहते थे घर में रहे, छोड़ दो, आप तो अगले दिन हॉस्पिटल पहुंच गए, आप भी अपना टेस्ट करा लिया। इसीलिए गृह मंत्री जी ने माने अमित शाह जी ने केंद्र सरकार के माध्यम से अब इसको टेक ओवर किया, एक कमेटी बनाई एम्स के डॉक्टर के साथ में, जिसमें साउथ दिल्ली के डॉक्टर एनसीडी के होंगे, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर होंगे, वो सब मिलकर एक कमेटी बनेगी और जो छोटे अस्पताल हैं उनको दिशा निर्देश जारी करेगी। दिशा निर्देश जारी करने के बाद उनको बताया जाएगा, सभी प्राइवेट अस्पतालों को दिल्ली सरकार को कह दिया गया है कि 60% की दर पर वो सभी प्राइवेट अस्पताल बेड मांगेंगे, जो मैक्स जैसी बड़ी बड़ी अस्पताल हैं, अपोलो जैसी अस्पताल, ये बड़ी बड़ी अस्पताल हैं जो 5-5, 7-7 लाख रुपए का पैकेज मांग रही थी, उनको कंट्रोल किया गया और जो किट जो जांच की 4500 रुपए कीमत मांग रहे थे उसको घटाकर अब दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए 2400 रुपए इसकी कीमत अब केंद्र सरकार माने अमित शाह जी के इंटरफेरेंस के साथ में वो निर्णय लिया गया है। 1000 रेलवे कोच वो दी गई है, जिनसे 8000 बेड अब दिल्ली में तुरंत, वो तो नौटंकी कर रहे थे केजरीवाल साहब, 10,000 हो गए, 8,000 हो गए, 7,000 हो गए, लेकिन रेलवे कोच के माध्यम से 8,000 बेड की वहां पर व्यवस्था पेशेंट को रहने की, ये केंद्र सरकार के माध्यम से व्यवस्था की गई है। मैं पुनः केंद्र सरकार के इस बात के लिए दिल्ली वालों की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसी प्रकार से 1000 नई एम्बुलेंस, लोग फोन कर रहे थे
हमारे कोविड पेशेंट है जी, आइए जी। लोग हमें फोन करते थे भाई साहब हमारी को सुन ही नहीं रहा। अब 1000 अतिरिक्त एम्बुलेंस दिल्ली के अंदर लगाने की व्यवस्था सरकार ने की है और N95 फेस कवर जो है 7,32,000 ये फेस कवर्स की व्यवस्था की गई है दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली को देने की व्यवस्था की गई है। पीपी किट 4,41,000 पीपी किट दिल्ली के लिए मंगाई गई है। मंगाने के बाद अब लोगों में जो स्प्रेडिंग ना हो इसकी, और SCQ की टैबलेट्स देने के लिए 25,00,000 गोलियां दिल्ली में, दिल्ली के लोगों में कोई कोविड पेशेंट आए तो उनको देने के लिए व्यवस्था की गई है। और 270 करोड़ रुपया हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से फंड एलोकेट किया गया है कि हेल्थ में और कोई दिक्कत आए, जिसमें हमारे गृह राज्य मंत्री रेड्डी जी और हमारे राय साहब जो बिहार से आते हैं, हमने दौरे भी किए जाकर, 4 सेंटरों का हमने दौरा किया है और अब इन अस्पतालों का जो सेंटर बने इन सेंटरों का, अस्पतालों का हम दौरा करेंगे कि वहां पर कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, वहां पर कोई अव्यवस्था नहीं फैल रही है, जो दिल्ली सरकार 3 महीने से अपने घरों से निकली नहीं थी। एम्स में एक टेलीफोनिक गाइडलाइन सेंटर बनाया गया है, उस टेलीफोनिक गाइडलाइन सेंटर के अंदर वहां के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो उन अस्पतालों का दौरा करने के बाद साउथ दिल्ली MCD के डॉक्टर, दिल्ली सरकार के डॉक्टर उनके साथ दौरा करने के साथ वो रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को समय पर भेजेंगे कि कहीं कोई अव्यवस्था है तो उसकी जांच की जाए। भारत सरकार के 5 वरिष्ठ अधिकारी तय किए गए केंद्र सरकार ने, जो न्यूट्रल रिपोर्ट भेजेंगे, केवल केजरीवाल की तरह हवाई बातें नहीं करेंगे कि आप अस्पताल के सामने जाएं, 1031 पे नंबर मिलाएं, तुम्हारा पेशेंट एडमिट हो जाएगा। वो अमरजीत नाम की महिला बिचारी अमरजीत कौर, वो बिचारा एक मोतीलाल गर्ग नाम का पेशेंट, कोर्ट में उनको जाना पड़ा पेशेंट लेने के लिए। अब इस प्रकार से 5 नए अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं, सभी अस्पतालों में जितनी भी हमारी वो अस्पताल अब ये कोविड की हैं उनकी टेस्टिंग करने के लिए मित्रों। इसलिए मैं आप सबको ये, आप दिल्ली वालों की जानकारी में रहे कि केजरीवाल किस कितनी वो व्यक्ति संवेदनशील था और कितना उन्होंने ये देखा है। आने वाले टाइम में अब हर पोलिंग बूथ के अंदर दिल्ली में टेस्ट किए जाएंगे, केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है। हर पोलिंग सेंटर के ऊपर किसी को भी कोई फ्री टेस्ट होंगे सब दिल्ली वालों के, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ना 4,500 ना 2,400 वहाँ पर वो टेस्टों की व्यवस्था। अभी 2-4 दिन में जो ये हमारा क्वारंटाइन क्षेत्र है इसको निपटाने के बाद जो 169 क्वारंटाइन है इनमें 1 सप्ताह के बाद इनको कवर करने के बाद सभी पोलिंग स्टेशनों पर ये व्यवस्था की जाएगी दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के माध्यम से। अस्पतालों में वहाँ पर जो वहाँ की स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की जो व्यवस्था है उनको देखते हुए घर घर जाकर लोगों को ये सूचना दी जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा था NCC के वॉलंटियर होंगे, NSS के वॉलंटियर होंगे और समाज सेवी संस्थाओं के लोग होंगे। इसलिए आप सबको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, केजरीवाल साहब के अंदर जरा नैतिकता है, केजरीवाल साहब अगर गैर कुछ है थोड़ी बहुत उनमें टिकी हुई है तो नैतिकता के आधार पर उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद को छोड़ देना चाहिए। केजरीवाल साहब आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँ, उनको याद दिलाएं कि वो कहा करते थे कि राइट टू रिकॉल का अधिकार दिल्ली देश की जनता को क्यों ना हो। अगर कोई टफर नालायक व्यक्ति किसी तुरंत जीत कर गलती से आ जाए तो वो 5 साल उसको लोग क्यों झेलें। तो केजरीवाल साहब आप तो फेल हो गए तो आपको लोग क्यों झेलें, आपने हाथ खड़े कर दिए, आप भाग्य मैदान छोड़कर रोज रोज नई स्टेटमेंट देने कर। तो आपके माध्यम से केजरीवाल साहब की नैतिकता को मैं झंझोरना चाहता हूँ कि वास्तव में आप गरीब हितैषी हैं, वास्तव में ही सेवा करना चाहते हैं, वास्तव में ही आप देश सेवा के लिए प्रेरित आपको बनाया है, तो आपको मुख्यमंत्री के पद से क्यों लालच है, क्यों लालसा लगी हुई है। सेवा करें आप लोग, आप अन्ना हजारे जी के साथ आए थे सेवा करने के लिए। तो आपके माध्यम से मैं केजरीवाल साहब से ये निवेदन करना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब राइट टू रिकॉल का मौका दें दिल्ली की जनता को। ये बोगस आंकड़े चैनलों में 17, 18, 19 लाख करोड़ रुपया, 150 करोड़ रुपया देने के बाद, और मैंने 5 लाख लोगों से व्हाट्सएप पे ओपिनियन ले लिए, मैंने तब मैं बॉर्डर सील कर रहा हूँ, वो सब बोगस हैं। कोई 5 लाख और 50 लाख लोग उनको कोई ओपिनियन नहीं देते, ना वो लेते हैं। तो यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने और कोई केंद्र सरकार की तरफ से कोई जो गाइडलाइन जारी की गई है आपने कोई मेरे को जानकारी होगी उसकी जानकारी दूंगा, जो आपके माध्यम से जनता तक पहुँचे और जनता उसका लाभ उठाए। और दिल्ली में एक पैनिक की स्थिति हो गई कि बाहर के लोग दिल्ली आने घबराने लगे, रिश्तेदार भी फोन कर करके घबराने लगे थे, लोग दिल्ली छोड़कर देश की राजधानी भी छोड़कर भागने लगे थे। उन सबका जिम्मेवार कोई कल्प्रिट है तो वो सॉरी को उनका को विक्टिम कल्प्रिट है तो वो केजरीवाल साहब है। धन्यवाद सर। साउथ दिल्ली में कितने सेंटर खोले गए हैं आप ये बता दें? साउथ दिल्ली में 21 सेंटर खुले हैं, 21 सेंटर हैं जिनमें से
भामडोली गांव से शुरू करेंगे हम, पालम फ्लाईओवर से नीचे से लेकर आने के बाद से, और सेक्टर 2 में है, उसके बाद मेहरौली में है, फतेहपुर में है, बेलमोंड में है, तिगरी में है, मदनगीर में है, तुगलकाबाद संगम विहार में एयरफोर्स स्टेशन का स्कूल वहाँ पर है, और बदरपुर एनटीपीसी के सामने है, ट्रांजिट कैंप गोविंदपुरी में है, हरकेश नगर में है, इस प्रकार से 21 सेंटर तुगलकाबाद सॉरी साउथ दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर। वहाँ पे क्या टेस्ट भी हो रहे हैं? किसे टेस्ट हो रहे हैं? वहाँ पर लाइन लगा कर टेस्ट किए जाते हैं, 15 आधे घंटे में सबको रिपोर्ट दे दी जाती है जिनके टेस्ट कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की वो करते हुए। आप लोगों से मेरा निवेदन है, कहीं कोई अव्यवस्था है या कोई बात है आप भी हमारी नॉलेज में डालेंगे तो मैं भी वहाँ पर जाऊँगा कि लोगों में कोई दिक्कत ना आए टेस्ट कराने में। टेस्ट वहाँ पर रेगुलर हो रहे हैं और लगभग 12,000 टेस्ट दिल्ली में रोजाना 169 सेंटरों में हो रहे हैं, 12,000 रोजाना किए जा रहे हैं। राधा स्वामी जो 10,000 बेड बने हैं, ये क्या है पूरा? अब वो तो मेरी जानकारी राधा स्वामी बेड वाली है नहीं, लेकिन केंद्र सरकार के माध्यम से जो व्यवस्था की गई मैंने वो आपको जानकारी दी है। हो सकता है वो डीएम मिश्रा जी हैं, वो शो वोटो लेकर इस प्रकार के काम करते रहते हैं, और उन्होंने, मैं उनको इस बात के लिए अप्रिशिएट भी करूंगा कि उन्होंने बड़ी जिम्मेवारी के साथ में मानवता का परिचय देते हुए, एक अधिकारी का परिचय ना देते हुए मानवता का परिचय देते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो उन्होंने नहीं होगा, उनका यही मतलब था कि ये जो 5 दिन का जो क्वारंटीन करना है हर मरीज को, उसका विरोध कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने डिस्चार्ज मैनेजमेंट की मीटिंग भी आज डिसॉल्व हो गई, वो नहीं हो पाई। देखो ये सब जिम्मेवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की है, मुख्यमंत्री 2.5 महीने में घर से निकले नहीं बिल्कुल भी, उनको कोई मंत्री नहीं निकला, वो तो गृह मंत्री जी ने 14 जून को मीटिंग बुलाई, 14-15 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई, 15 को 14 तारीख को सारे अधिकारियों की बुलाई, तब उनको मजबूर में निकल के जाना पड़ा कि अगर इतनी भी संवेदनहीनता दर्शाएंगे तो दिल्ली की जनता इनको जूते मारती केजरीवाल साहब, इसलिए वो मजबूरी के कारण एक दिन के लिए चले गए। अब उनकी जिम्मेवारी है दिल्ली के मालिक, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर कहा था केजरीवाल साहब ने, मैं दिल्ली का मालिक हूँ आपको ध्यान हो तो लास्ट सेशन में के अंदर, तो मालिक है तो मालिक के अंदर अगर गैरत है तो उनको रिजाइन करना चाहिए मुझे लगता है। नहीं, लेट करने में फिर आप ही लोग ये कहते केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे, वो भी तो मुख्यमंत्री है, फिर वो कहता देखो मैं तो IRS हूँ, देखो मैं तो बनिया का बेटा हूँ, मेरे से ज्यादा बड़ा दिमाग तो है नहीं, जैसे पहले कहा था मैं व्यापारी का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, फिर वही शोर मचाता जी। तो इसलिए जब हाथ से चीज निकलने लगी तब केंद्र सरकार से हमने निवेदन किया बार बार, और केंद्र सरकार को लगा फिर हमारे गृह मंत्री जी को कि हम दिल्ली के लोगों को इतना संवेदनशीलता हमें दिखानी चाहिए, उनको उनकी मरले के लिए नहीं छोड़ना चाहिए जी। केजरीवाल इतनी बड़ी सजा दे रहा है दिल्ली के लोगों की छोटी सी भूल की कि उनको मौत बांट रहा है, लगभग 3,500-4,000। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है मेरे ध्यान से रह गया, वो कि अब जो कोविड के पेशेंट हैं जिनकी बॉडी परिवार के लोगों को नहीं मिलती थी, वो बॉडी परिजनों को दी जाएंगी। संवेदनशीलता का सरकार ने ध्यान रखा है और गृह मंत्री जी ने कहा है कि उनको पैक करने के बाद उनको कोरोना वायरस फ्री करके और पेरेंट्स को बॉडी दी जाएगी परिजनों को, परिजन बेचारे दूर दूर खड़े रहते थे जी, और इसकी भी सरकार केंद्र सरकार ने व्यवस्था करने की बात की है, ये बड़े इंपॉर्टेंट काम।